इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां राहुल गांधी को पत्र के माध्यम से धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम दया उर्फ प्यारे उर्फ नरेंद्र सिंह बताया जा रहा है। यह आरोपी पूर्व में भी पत्र और फोन के जरिए कई लोगों को धमकी दे चुका है। इस आरोपी की तलाश में इंदौर पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी तलाशे, जिसके बाद आधा दर्जन शहरों में होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। तब कहीं जाकर उज्जैन पुलिस ने आरोपी को नागदा से गिरफ्तार किया, जिसे इंदौर लाया गया। आरोपी मूलतः उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है, जो घर छोड़कर कई वर्षों से बाहर रहता था। यह खालसा स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। ओ भैया, भैया पीछे हो जाओ यार। अरे इसको बोलना है, क्या नाम संजय, पीछे हो जाओ। पीछे बस, पीछे मूव करो, हाथ पकड़ लो आप। अरे मूव करना है यार पीछे। दीपक लेके आ जाओ। अरे ऐसी हरकत क्यों करी? दीपक लेके आ जाओ जल्दी। खत क्यों लिखा था बाबा? चलो बाबा, ये सब बातें माननीय पुलिस अधिकारियों के सामने कर लूँगा। अरे कुछ तो मीडिया को बता दो, चंकी को अलग से बता। अभी मेरी मनोदशा ठीक नहीं है, मैंने कुछ खाना नहीं खाया है। अपने खालसा स्टेडियम में जो कार्यक्रम हुआ था उसको देखते हुए करा था क्या? वो सब बातें आदरणीय कमिश्नर, राहुल गांधी को भी उड़ाने की धमकी दी। आदरणीय कमिश्नर साहब को बताऊं, आदरणीय कमिश्नर साहब को जो भी बात नहीं। अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जिस टाइप से इसके वेयर हाउस पता हुए हैं, ये एक गुरुद्वारों में जहाँ लंगर चलता है वहाँ खाना खाता है और लगातार मूवमेंट में रहता है, और पूरे इवन एमपी और एमपी के बाहर की जगहों पे भी लगातार घूमता रहता है। लेटर क्यों लिखा है और जिन लोगों के नाम लिखे थे उनसे क्या है? ये एक टेंडेंसी इसकी प्राप्त हुई है। पहले एक उज्जैन में 2017 में एक हम लोगों ने डिटेक्शन जब कर रहे थे तो पूरा पता चला, एक टीम को उसका हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए थे। CSP ऑफिस उज्जैन में इसकी जांच हुई थी, उसमें इन्होंने एक गुरुद्वारे के सेवादार के विरुद्ध ऐसी सेम शिकायत की थी, और शिकायत में भी इसने बहुत सारे लोगों के नंबर लिख दिए थे जो कि डिफरेंट नागपुर के और कहीं दूर के थे, जिनका कोई वास्ता ही नहीं था उज्जैन से, उनके नाम और नंबर लिख दिए थे। तो ऐसा इसकी टेंडेंसी प्रतीत हो रही है अभी तक, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस या कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि ये कोई इस संगठन से जुड़ा हुआ है या कोई ऐसी मानसिकता। राहुल गांधी और कमलनाथ को धमकी देने के पीछे क्या है? ये अभी जब जैसे हम लोगों ने बताया कि आपके जो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो पता चला था, एक पुख्ता प्रमाण ये भी मिला था कि जब यहाँ पे नानक जयंती का जो प्रोग्राम चल रहा था उस दौरान इसकी प्रेजेंस यहीं थी। और ये एक बार ऐसे ही भी पता चला है कि उज्जैन में किसी पॉलिटिकल लीडर को किसी दूसरे के फोन से धमकी देने का भी इसने काम किया था। तो इसकी टेंडेंसी इस प्रकार की है, अभी डिटेल पूछताछ नहीं हुई है। डिटेल पूछताछ के बाद इंटेंशन के बारे में हम लोग पता करने का प्रयास करेंगे। ये भी जो है अभी ये पूछताछ का विषय है, क्योंकि पूछताछ डिटेल अभी हो नहीं पाई, अभी रिसेंटली मतलब सारा काम हुआ है। लेकिन जो हम लोगों को जानकारी जो हम लोगों ने पता करी थी विवेचना के दौरान, वो ये पता चला था कि ये लगातार मूवमेंट में रहता है, और ये मूवमेंट के दौरान इसने जैसे कि जो वोटर आईडी जिसकी थी उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि उसने ना तो इंदौर आया ना किसी को वोटर आईडी उसने दी है, तो उसने संभावना ये ज्ञापित की थी कि करनाल में कोर्ट के पास कोई गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के पास जो है फोटोकॉपी उसने कराई थी, संभवतः वहाँ से ये वोटर आईडी इसके हाथ लगी। ये सारी बातें अभी सत्यापन का विषय है, क्योंकि इसमें हमें डिटेल पूछताछ करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर नाम क्यों लिखा, क्योंकि वैसे इसकी टेंडेंसी है कि ये ऐसी फर्जी शिकायत करके और किसी किसी को प्रताड़ित करने का प्रयास करता रहता है। अभी कुछ लोगों से पूछताछ हुई है, जो 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 नंबर जो जो चीज़ें आई उससे बात हमारी हो गई है, और कोई इससे ऐसा दुश्मनी उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन अभी जब पूछताछ डिटेल होगी तो हमें उसके इंटेंशन का पता चलेगा, तब पता चलेगा कि पर्टिकुलर और किसी का रोल इतना सामने नहीं आया। पूछा था आपने कि राहुल गांधी को डिटेल पूछताछ अभी नहीं हो पाई है। ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने कहा, अभी बहुत इनिशियल लेवल पे आरोपी हमारे हाथ लगा है, पूछताछ डिटेल जब होगी तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल करेंगे, और थोड़ी जब पूछताछ होने के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ों का जवाब दे पाऊंगा कि आखिर इंटेंशन इसका पर्टिकुलर नाम के प्रति घटना के प्रति क्या है। ओरिजिनल नाम इसका नाम जो है दयाल सिंह उर्फ प्यारा सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह, पिता कल्याण सिंह इसका नाम है।
जो छोटा गोसियारा मलिक मऊ रोड रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला 69 ईयर्स की एज है और परिवार से अलग है और लगातार इसको चक्रवर्ती बोलते हैं लोग कि चक्रवर्ती घूमता रहता है, लगातार मूवमेंट में रहता है, किसी संगठन के साथ घूमता है या सिंगल? नहीं, सिंगल मूवमेंट करता है और उसके पास मोबाइल भी नहीं रखता है, घर परिवार भी कोई इसका नहीं है, रिलेटिव के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोगों को पकड़ने में थोड़ा सा दिन लग गए। ये भी जानकारी हेयर से एविडेंस आई थी, अभी जब हम पूछताछ कर लेंगे डिटेल उनके जो सारे आईडीज चेक कर लेंगे, सारे वेयर अबाउट चेक कर लेंगे, उसके टेल में हम लोग चले जाएंगे तो पता चल जाएगा कि वास्तविक था क्या। इंदौर से एनके मीणा के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।